Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear brothers and sisters, I request you all to please subscribe to my channel and press the bell icon to get upcoming notifications on the videos which are specially lined up for you all. Your support is much appreciated. मुस्लिम शरीफ में आगे अल्फाज हैं कि सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने मुझसे कहा करते थे कि मुझे अपनी जिंदगी में कभी भी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से इबारत का शौक पैदा नहीं हुआ। इन्हीं वो कहते थे मेरी एक इन्हीं जिंदगी में जो इमारत वाला मामला है मैं इससे दूर ही भागता हूँ। आपको पता है ना हजरत अबू बकर का भी जब ये मशवरा शुरू किया तो हजरत उमर ने सबसे पहले कहा कि जी मुझे तो हम माफी रखें, बाकियों में से कोई मशवरा कर ले, मैं जो भी मुसलमान राजी हो जाएंगे। हजरत अबू बकर ने भी सबसे मशवरा किया, हजरत उमर से नहीं किया, और सबसे मशवरा क्या किया कि इसको कर दूं तो सबने कहा ठीक है। जब अनाउंसमेंट की तो हजरत उमर ने कहा कि अभी आपने मुझसे मशवरा, उनका मुझे पता था तुमने तो मानना ही नहीं है, बस अब इसको मुसलमानों के मशवरे को कबूल करो। तो हजरत उमर की एक तबीयत में एक आजजी वाला मामला था, और आप देख लें कि यही आजजी है जो उनको ईमान की तरफ ले आई है। नबी अलैहिस्सलाम की तिर्मिज़ी में दुआ है ना, अल्लाह अमर इब्ने हशाम और उमर इब्ने खताब में से एक को इस्लाम की दौलत दे। अबू जहल को क्यों नहीं मिली? मैं आपको एक ही फर्क एक ही बंदे की जुबानी बता देता हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं, सही बुखारी में आता है कि जब उस मरने के करीब था, दो बच्चों ने उसको कत्ल करके नीचे गिराया, भी उसकी रमत बाकी थी, तो मैं उसकी जब गर्दन काटने के लिए उसके सीने पर चढ़ा तो मुझे कहने लगा कि तुम एक यानी कम जात के आदमी ने एक बहुत बड़ी सवारी के ऊपर सवार हुआ है और मेरी गर्दन को नीचे से काटना ताकि सरदार की गर्दन नजर आए, ये अकड़ आखिरी वक्त में मैं नहीं जा रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को देखें कि बिलाल हबशी को कह रहे हैं, सही बुखारी में हदीस है कि अबू बकर हमारे सैयद हैं जिन्होंने हमारे सैयद बिलाल को आजाद करवाया। अरब के बनु अदी का सरदार एक हबशी को, ये आप इमेजिन ही नहीं कर सकते आज कि खानदानी वहां पे निजाम, कुरैश तो अपने बराबर किसी को समझते नहीं थे, सैयदुना बिलाल कह। और एक दफा जब अबू जहल पटाई कर रहा था अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की, धक्का मार के चला गया। ये सब कुछ उमर सीरीज में फिल्माया कतर वाला, तो वो अब वो नीचे गिरे पड़े हुए हैं, हजरत उमर वहां से गुजर रहे होते हैं, अभी इस्लाम नहीं कबूल किया, तो वो हाथ पकड़ के उसे उठाते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद की जुबान से निकल जाता है कि वल्लाह तुम उन दोनों में से बेहतर। तो यानी जो नबी अलैहिस्सलाम ने दो मांगे हैं ना उनमें से तुम बेहतर, यानी आजजी है, यानी है काफरों की पार्टी में और मेरे साथ भी उसने सलूक कर रहे हैं, और वही हुआ, अल्लाह ताला ने उनको कबूल कर लिया। तो ना ये भी है, ये दो अलग हदीस है, दो अलग तिर्मिज़ी में दोनों रवायत। अच्छा अब आप देखें कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला कहते हैं, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुस्लिम शरीफ की उस हदीस में कि हजरत उमर मुझे कहा करते थे मुझे पूरी जिंदगी कभी इमारत का शौक नहीं हुआ सिवाय उस दिन के कि जिस दिन अली को झंडा मिला, मुझे भी ख्वाहिश थी कि काश नबी अलैहिस्सलाम मुझे वो झंडा। ये हजरत अली के लिए बहुत बड़ी फजीलत है इस हवाले से कि सैयदना उमर उन पर रश्क करते थे। बाकी एक सुलकुबरा अल बैहकी में मन घड़त रवायत है कि हजरत उमर कहा करते थे, वो जो एक बड़ी मशहूर बयान कर रहे होते हैं कि वो सितारों के बराबर किसकी देखी है, हजरत आयशा ने पूछा उनका भी तेरे बाप की है, तो हजरत उमर की है, तो पूछा कि मेरे बाप की, उनका भी उनकी तो एक नेकी जो है वो गारे सौर की सब पे भारी है। इन इस हदीस को शेख अल्बानी ने, शेख ज़ुबैली ज़ई साहब ने, दोनों ने लिखा है, ये मौदू हदीस है, वजह की गई हदीस है, लेकिन ये हमारे मुसलमानों के बच्चे बच्चे को याद है, जाली हदीस है, ज़ईफ नहीं सर, घड़ी हुई हदीस है। और जो मुस्लिम शरीफ की हदीस थी वो हमने आगे एक्सप्लोर किया है कि हजरत उमर कहते थे मुझे अली पर रश कि मुझे वो झंडा नहीं मिला और अली को। दूसरी तरफ सैयदना अली भी सैयदना उमर से बड़ी मोहब्बत करते थे। हाँ बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, मिश्कात में भी आपको मिल जाएगी तीसरी जिल्द में, हजरत अबू बकर उमर के फजाइल के चैप्टर। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं कि सैयदना उमर की मैयत रखी हुई थी और लोग उनकी मैयत पर रो रहे थे और अपने अपने अंदाज में उनके ऊपर सलाम पेश कर रहे थे कि आपकी वजह से अल्लाह ने इस्लाम को इतना उरूज दिया, रोमन और पर्शियन अंपायर
گر گئیں، یرموک اور قادسیہ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دی، اور کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آگے کھڑا ہوا، کیونکہ میں بھی میت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے میرے کندھے کے اوپر آ کے یوں کونی رکھ لی، اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب. میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے. مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے. کون سے دو ساتھی؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ کی قسم اس روئے عرض پہ تم وہ شخص تھے کہ مجھے خواہش ہے کہ میں تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں. ظاہر ہے اتنا بڑا عروج سر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن نبی علیہ السلام کا، اس کی ایپیکس سیدنا عمر کے دور میں ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا معجزہ ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں انقلاب آتا نا تو اس طرح کے تو بہت لیڈر پہلے بھی آئے تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کے آئے تھے. یہ معجزہ یہ تھا کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا، ہزاروں اس کے ماننے والے مرتد ہو گئے عرب قبائل، اور چند مخلص ساتھی ساتھ ہیں، اس کے باوجود اللہ نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیے. کتنا بڑا معجزہ ہے! اگر نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں کر جاتے وہ تو سکندر اعظم بھی کر گیا، بعد میں چنگیز خان نے بھی کیا، بڑے بڑے لیڈر آئے. یہ ڈفرنس، ایک یہ ڈفرنس، اور دوسرا ڈفرنس یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد، ایون 500,000 سال بعد ہونے والے واقعات کو بھی بیان فرما دیا کہ یہ ہوگا. آج تو ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوا ہے. اگر آپ کو شوق ہو تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، 3,500 حدیث پہ، 5ویں صدی میں لکھی گئی ہے. اس میں 500 سال میں جو نبی الاسلام کی پروفیسیز پوری ہوئی ہیں نا، منوان اسی طریقے سے موجود ہیں. بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں تاتاریوں سے جنگوں والی، وہ اس وقت تک نہیں ہوئی ہوئی تھی، حدیثیں تو پہلے سے موجود تھی، آج تو ہم ان کو بھی درست مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، نبی الاسلام نے پریڈکشن کی تھی کہ عنقریب قیصر روم ختم ہوگا، قیامت تک کوئی قیصر نہیں ہوگا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور دیکھ لیں قیامت تک کوئی قیصر نہیں ہوا. عنقریب پرشین امپائر ختم ہوگی اور قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. آج دیکھ لیں 1400 سال ہو گئے ہیں. سر یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں کہوں کہ عنقریب امریکہ اور رشیا ختم ہو جائیں گے ود ان فیو ایئرس، اور قیامت تک کبھی ان کو پاورز نہیں ملیں گی جو کہ ابھی پاور ہیں اور جن کی صدیوں سے چل رہی ہیں، اور وہ پھر پاور بھی ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہیں کہ جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، مین پاور بھی نہیں تھی ان کے لیول کی، الٹوا دی اللہ تعالیٰ نے. تو سیدنا علی نے کہا کہ یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پہ یعنی یہ کلام، وہ جو شخص میرے یعنی کندھے پہ کونی رکھ کے کر رہا تھا نا، تو میں نے جب اس کو مڑ کے دیکھا تو وہ علی ابن ابی طالب تھے جو سیدنا عمر کے بارے میں یہ کلمات کہتے تھے. تو یعنی ان لوگوں کی للہیت تھی کہ وہ تعریف کیا کرتے تھے، کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے. اور آپ دیکھیں سیدنا عمر کی بھی کتنی محبت تھی سیدنا علی سے کہ جب کبھی بھی فارن ٹور پہ جاتے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب تبوک پہ گئے تھے تو سیدنا علی کو چھوڑ کے گئے تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی رو پڑے، پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں نہیں گئے تھے، فرمایا تم اس پہ راضی نہیں ہو، تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو حضرت عمر اس سنت میں عمل کرتے تھے، جب بھی وہ جاتے تھے، جب بیت المقدس فتح ہوا چابیوں کے لیے انہوں نے بلایا، سیدنا علی کو اپنی جگہ چھوڑ کے گئے، اس سنت پہ عمل کیا کرتے. اور یہ بات شیعہ کے ہاں بھی ملتی. میری ایک شیعہ عالم کے ساتھ ایک دفعہ بحث ہوئی 2011-12 کی بات، تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت عمر جو ہے نا حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں مخلص نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی، ان کو چاہیے تھا ڈائریکٹ حضرت عمر حضرت علی کو نامزد کر دے. تو میں نے کہا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وہ تو حضرت عمر نے خود بتائی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ابن عمر کہتے ہیں جب حضرت عمر کو زخم لگا اور اب ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ جانور نہیں ہوں گے، کھاتے تھے تو انتڑیاں کٹ چکی تھیں، یہیں سے وہ سب کچھ نکل جاتا تھا، تو ہم نے عرض کیا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں. تو انہوں نے کہا اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتا ہوں تو
तो मैं उसकी सुन्नत पे अमल करता हूँ जो मुझसे बेहतर है, अबू बकर। और अगर मैं नहीं करता तो मैं उसकी सुन्नत पे अमल करूंगा जो उनसे भी बेहतर है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्ने उमर कहते हैं जब मैंने हजरत उमर की ये बात सुनी ना तो मुझे समझ आ गई कि अब हजरत उमर किसी को नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो हमेशा हर मामले में नबी इस्लाम की सुन्नत को प्रायोरिटी देते थे। और वही हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं 6 रुकनी कमेटी बना रहा हूँ, बुखारी के और मुस्लिम के अल्फाज हैं, कि मैं अपने बाद इस अमरे खिलाफत में इन 6 बंदों से ज्यादा किसी को अहल नहीं समझता जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात तक राजी रहे। और फरमाया अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद इब्न अबी वक्कास। अच्छा, ये कौन है? अशरा मुबशरा है। अशरा मुबशरा में से ये 6 बंदे बाकी थे और एक सातवां भी था, उसका नाम इसलिए लिया कि उनका बेनोई था सईद इब्न ज़ैद। वो तो समावी के दौर में जाके फौत हुए ना, सईद इब्न ज़ैद तो बहुत बाद में फौत हुए। और उसी बुखारी में अल्फाज है कि अब्दुल्ला बिन उमर को मशवरे में जरूर शामिल करना लेकिन इसको कोई खलीफा ना चुने। और कहा कि साद इब्न अबी वक्कास पे अगर तुम मुत्तफिक हो जाओ तो उसे खलीफा चुन लेना, और मेरी इस बात को दलील ना बनाना कि मैंने उसे माजूल किया था पर्शियन अंपायर की गवर्नरी से, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस पर मुत्तफिक और कहो कि इसको तो उमर ने उतारा हुआ था, एन उधर रहने दो। इस 62 एफ लग गई है। ये 62 एफ है, जाली चीज है। इस्लाम में कोई 62 एफ नहीं है। इस्लाम में ये नहीं है कि आपको मतलब मौत के घरघरे तक तौबा कबूल है, आप एक बंदे के साथ मामला हो जाता है और वो तौबा तायब हो जाता है तो बस ठीक है, वो ता हयात नायल कोई नहीं होता। इस्लाम में कोई ता हयात नहीं है। अल्लाह ताला के साथ गुस्ताखी करने वाले के लिए भी जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है कि मौत के घरघरे तक जो है वो तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, मौत के घरघरे से पहले पहले। तो 62 एफ ना लगा देना उस पर। वो एक मामला था, वो हजरत उमर किसी को 4 साल ज्यादा गवर्नर आने नहीं देते थे, उन्होंने उनको हटा दिया। तो यानी इन लोगों की ये लिल्लाहियत हुआ करती। तो मैंने उसको कहा कि देखो कि ये वजह थी कि उन्होंने नबी इस्लाम की सुन्नत पे अमल किया कि मैं इन 6 बंदों से नबी इस्लाम राजी थे, मैं उस कमेटी बनाऊंगा, मैं और उसमें अल्फाज है बुखारी मुस्लिम में कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा बोझ उठाता रहा, अपने मरने के बाद तुम्हारा बोझ नहीं उठाऊंगा, तुम खुद अपना खलीफा चुन लेना है 6 में से, यानी मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करूंगा। दूसरा, मैंने उस शिया आलिम से ये बात की कि हजरत उमर इतने बड़े रिस्क के ऊपर थे कि जिसने पूरी दुनिया को उलट दिया है और वो चंद बंदे लेके रोमन और पर्शियन अंपायर का विजिट कर रहा है, कोई भी काफिला उन पर हमला करके उनको शहीद कर सकता था, और अगर खुदा ना खास्ता इस दौरान वो शहीद हो जाते तो हजरत अली ऑटोमेटिकली खलीफा होते क्योंकि उनको छोड़ के गए हुए थे, ये उनका इखलास था। फिर सैयदना उमर ने हजरत अली को चीफ जस्टिस लगाया हुआ था हिजाज का, चीफ जस्टिस आजकल नहीं संभाला जा रहा, और उस जमाने में जब इस्लाम का दौर दौरा हो, अदल का निजाम हो, और तीनों जो जोहद के इमाम थे ना हजरत उमर ने उनको चीफ जस्टिस लगाया था। रोमन अंपायर गिरी, असाबे सुफा में से अबू दर्दा को लगाया, सबसे गरीब तरीन सहाबी, ये उनका क्राइटेरिया था। अबू सुफियान, बड़े बड़े लोग जो एंड पे मुसलमान हुए, ये लाइने बना के खड़े रहते थे, हजरत उमर इनको नहीं मिलते थे जब तक बाकियों से फारग ना हो जाए। वो कहते थे हम सरदार, उनका नहीं, तुम इस्लाम में बाद में आयो। और वो माजरीन के वजीफे और असाबे बदर के वजीफे उन्होंने बाकियों से डबल लगाए हुए थे कि इन्होंने बुरे वक्त में इस्लाम का साथ। और पर्शियन अंपायर गिरी, अब्दुल्ला इब्न मसूद जोहद तरीन सहाबी, जोहद के इमाम, उनको वहां पर चीफ जस्टिस लगाया, और हिजाज के अंदर सैयदना अली को लगाया, और इससे भी बढ़ के सैयदना अली इब्न अबी तालिब की एक बेटी है उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा से उनका रिश्ता मांगा सैयदना उमर कि मेरा अहले बैत रसूल के साथ रिश्ता बन। सही बुखारी में भी इसका जिक्र इशारतन मौजूद है उम्मे कुलसूम का। शिया और सुन्नी दोनों के यहां उनकी किताबें तो मानती हैं, बाबे ना माने तो अलग बात है, किताबों में मौजूद है कि सैयदना उमर फारूक की बीवी थी उम्मे कुलसूम, और सलामुल्लाह अलैहा, इसकी वजह से यानी उन्होंने एक फख्र महसूस किया कि मेरा अहले बैत के साथ एक रिश्तेदारी वाला मामला हो जाए। तो सैयदना उमर इस तरह के मामलात के अंदर अहले बैत के साथ बहुत उसने सलूक वाला मामला किया करते, अगरचे उनकी तबीयत में सख्ती जरूर थी लेकिन जो दीन के मामले में थी वो सारी सख्ती अपनी जात के मामले में नहीं हुआ करती। सही मुस्लिम में एक हदीस है, उसी पर मैं कंक्लूड करता हूँ। सैयदना उमर ने एक ख्वाब देखा कि मुझे एक मुर्गे ने ख्वाब में ठोंगे मारी,
उन्होंने फिर अगले दिन खुतबा की दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि इस तरह मुझे एक मुर्ग ने चौंचे मारी हैं ख्वाब के अंदर। मैंने इसकी तावीर ये की है कि अनकरीब मुझे कत्ल कर दिया, और अगर बाई चांस अचानक मैं मार दिया जाऊं, ये तो किसी को नहीं पता था कि वो एक तकरीबन 3-4 दिन तक जख्मी हालत में होश में रहेंगे, अचानक भी तो मर सकते थे अगर गर्दन उतर जाती। अगर मैं अचानक मार दिया जाऊं तो तुम इस अमरे खिलाफत को इन 6 बंदों से बाहर ना जाने देना। सही मुस्लिम में उन 6 बंदों के नाम नहीं है, लेकिन बुखारी में वो नाम भी है, सैयदना अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद इब्ने अबी वक्कास। और उन्होंने कंसेंसस के साथ फिर बाद में सैयदना अली और उस्मान ही बच गए थे, उनमें टाई पड़ गई थी, तो अल्टीमेटली फिर उस्मान को चुन लिया। तो अगर मैं अचानक मार दिया जाऊं तो इन 6 बंदों से बाहर किसी को खलीफा ना चुनना, और मुझे पता है कि जब तुम इन 6 बंदों में से किसी को खलीफा चुनोगे तो कुछ लोग तुम्हारी मुखालफत करेंगे, और ये वही लोग हैं जिनको मैंने इस्लाम की खातिर अपने हाथों से मारा हुआ है, यानी वो लोग जो बिल्कुल एंड पे मुसलमान हुए हैं, जिनसे हमने गज़वा बदर, खंदक, ओहद लड़ी हुई है। अब ये एंड पे मुसलमान हुए हैं क्योंकि वहां पे भी इन्होंने हुक्मरानी देखी हुई है, तो यहां पे भी इनकी ख्वाहिश ये होगी कि इनमें से किसी को खलीफा चुना जाए। तो जब तुम देखो कि ऐसे लोग इस खिलाफत के दुश्मन हैं, इन 6 में से किसी बंदे की खिलाफत के मुखालफत कर रहे हैं, तो तुम समझ लेना कि ये लोग अल्लाह के दुश्मन, और दूसरे अल्फाज तो बड़े सख्त हैं, काफिर हैं। अब इसकी इंजीनियरिंग मैं नहीं करता, वो फिर किसी और तरफ बात चली जाएगी। आप मेरा रिसर्च पेपर वाकया करबला का हकीकी पस मंजर 72 सही उल इस्नाद अहदीस की रोशनी में, जिसमें मैंने 200 रवायतें अक्सर बुखारी मुस्लिम से पेश की हैं, उसके स्टार्ट में मैंने हदीस लिख के फिर लिखा है कि अब आंदा सफात में आपको पता चलेगा कि सैयदना उमर इस्लाम का दुश्मन किन लोगों को समझते थे। और यही अल्फाज सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर ने भी इस्तेमाल किए थे। किसके बारे में किए थे वो हमारा रिसर्च पेपर, ठीक है।